हे गाइस, वेलकम टू माधुरीज किचन। आज की रेसिपी है अंडा बिरयानी। गाइस, ये रेसिपी बहुत इजी एंड क्विक है, इसे कोई भी बना सकता है। रेसिपी पूरी देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी मैं डेली अपलोड करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने 4 टेबलस्पून तेल डाला है। जैसे ही तेल आपका गर्म हो जाता है तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है और कुछ कड़ी पत्ते डाले हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 ऑनियन को स्लाइस किया है। इसके बाद हम नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हमें प्याज को तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। इसके बाद हम डालेंगे 2 टमाटर, जिसको भी मैंने स्लाइसली चॉप किया है। इसे भी हमें तब तक कुक करना है जब तक हमारे टमाटर गल ना जाए, अच्छे से कुक ना हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून पेस्ट डाली है, जिसमें अदरक लहसुन और मिर्ची है। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी रेड मिर्ची डाला है, 1 चम्मच मालवनी मसाला डाला है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाला डाला है। इसके बाद हम यहाँ पर धनिया के पत्ते डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मसाला बहुत अच्छे से कुक हो चुका है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। इसके बाद हमने यहाँ पर 5 बॉयल्ड अंडे किए हैं, तो 1-1 अंडे हम इसमें डालेंगे और अंडे को हमें बीच में से कट करना है और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मसाला ड्राई होने के कारण हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने 1 और 1/2 कप टुकड़ा बासमती राइस लिया है, जिसे मैंने 10 मिनट के लिए सोक करके रखा था। इस राइस को भी हमें अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा नमक डालें और यहाँ पर हम एक नींबू डालेंगे। नींबू से हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें। अंडा बिरयानी में अच्छे से उबाल आने के बाद इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अभी हमें इसे 15 मिनट के लिए मीडियम गैस पर रखना है। इसमें हमने एक प्लेट कवर करके रखी है। 15 मिनट के बाद जब आप प्लेट हटाओगे तो हमारी शानदार अंडा बिरयानी तैयार है। गाइस, आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ माधुरी किचन को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।